हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई रीडिंग में। और आज की रीडिंग देखने वाले हैं कि आपके पर्सन ने कल रात आपके बारे में क्या सोचा। ओके, सो रीडिंग कलेक्टिव है एंड जनरल रीडिंग है सभी के लिए, आप सभी से देख सकते हैं। ठीक है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। एंड पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए या फिर मुझे मेल सेंड करिए। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, चैनल पे प्लेलिस्ट है उसे जरूर चेक कर ले। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन ने कल रात आपके बारे में क्या सोचा। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आ रही है ये रीडिंग उस टाइम के लिए वैलिड है। सो कभी भी आप इसे देख रहे हो, किसी मंथ किसी ईयर मैटर नहीं करता है। ओके, मेल फीमेल कोई भी आप देख सकते हो अपने पर्सन के लिए। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। We have ten of wands. We have ace of pentacles. We have the star. We have nine of cups. कल रात आपके पर्सन ने आपके बारे में क्या सोचा, प्लीज एंजल्स हमें बताएं। We have the fool. We have the magician, we have two of cups and we have then queen of cups. Okay, bottom of the deck is nine of swords and then we have four of swords. So aapke person ke zodiac sign ho sakte hain aquarius, cancer, pisces, scorpio. Okay, jo ki strong hai, cancer, pisces, scorpio, gemini, libra, aquarius and aquarius is very important here. ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है टॉरस पर को कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, अगर हम बात करें कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं कल रात, तो हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टेकर है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं अपने लाइफ में इन जनरल, या फिर ये पर्सन ओवर एम्बिशियस है अपने ड्रीम्स को लेकर। ठीक है, एम्बिशन है इस पर्सन के लाइफ में कि हमें ये चीज़ें करनी है, करियर को बहुत ज़्यादा ये पर्सन इंपॉर्टेंस देते हैं, वर्क को। ठीक है, इन्हें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी होना है, रिच होना है, रिच होना इनका एक एम है लाइफ का। ठीक है, ताकि इनकी जो लाइफ, फ्यूचर की लाइफ हो वो सिक्योर हो। ठीक है, पैसों की इनकी लाइफ में कोई कमी ना रहे, इनका ये एम्बिशन हो सकता है आपके पर्सन का। ठीक है, इस वजह से ये पर्सन हो सकता है अपनी लाइफ में दो काम या फिर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर को लेके, करियर वाइज। ठीक है, बहुत हार्ड वर्क भी किया है इस पर्सन ने, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं करियर के लिए, आइडियाज़ लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड इस वजह से हो सकता है आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है, बट अगर हम कल रात की बात करें कि इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस पर्सन की लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई है। ठीक है, रिलेटेड टू करियर एंड फाइनेंसेस, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई फाइनेंशियल गेन हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन को बिजनेस में प्रॉफिट हुई है। ठीक है, या फिर इस पर्सन को कोई अपॉर्चुनिटी दी गई है इनके फ्रेंड फैमिली या कहीं से भी। ठीक है, बट इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है एंड इस पर्सन को ना फील हो रहा है कि हमारा करियर अब सेटल हो जाएगा। करियर को लेकर जो टेंशन थी, जो वरीज थी, वो खत्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन को फील हो रहा है दैट अभी हमें करियर से, करियर के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई न्यू आइडिया आया हो, ठीक है, कहीं से ऑफर आया हो, कोई गेन हुआ हो, ये चीज़ है। जॉब या करियर से रिलेटेड इनकी लाइफ में जो भी टेंशन थी, एंड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा करियर को लेकर फोकस्ड है, पैसे कमाना इनके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, वो अच्छी चीज़ है एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, 99 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, नंबर 2 एंड 1 कैन आल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नंबर 4 कैन आल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बर्थडे हो या आप लोग मिले हो, ठीक है, सम कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस आपके लिए ये दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है। बट हो सकता है इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया हो या फिर आपको इग्नोर किया हो अपने वर्क के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में टेंशन रहती हो एंड ये पर्सन ना आपको अप्रोच करने में थोड़ा सा इनको आपको लेके, ठीक है ना, कल रात ये पर्सन बहुत ही सैड रहे हैं,
आपको लेके करियर को लेके मुझे दिख रहा है इस पर्सन के लाइफ में हैप्पीनेस आई है, ठीक है, सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं एंड इस वजह से ये पर्सन यहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज है जो दिखा रहे हैं कि ये पर्सन आपको अपने लाइफ में लेके फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है ना। इनको फील हो रहा है कि हमारा करियर तो सेटल हो गया है, अब हमारे पास पैसे आ जाएंगे, हमारा करियर अच्छा हो जाएगा, तो अभी हमें आपको लेके, ठीक है, यानी हमारे व्यूअर्स को लेके हमारे फ्यूचर को देखना चाहिए। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपको अपने फ्यूचर में देखते हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है ना। आपकी और इस पर्सन की फीलिंग्स इक्वल है, ठीक है, आप जैसा फील करते हो, जितने ज़्यादा आप इस पर्सन के लिए डेडिकेटेड हो उतना ही ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए डेडिकेशन फील करते हैं, ठीक है ना। एंड इस वजह से ये पर्सन आपके साथ अपने फ्यूचर को देख रहे हैं एंड अपने लाइफ में न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। पास्ट में जो भी रहा हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको ये पर्सन थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गए हो, ठीक है, अपने वर्क, अब थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई वर्क भी हो सकता है, ठीक है ना। वर्क के लिए इग्नोर किया हो, आपको कम टाइम दिया हो, आपके आपको समझा नहीं हो, ठीक है, बट ये पर्सन डेफिनेटली अभी आपको लेके बहुत इनके दिमाग में ड्रीमिंग चल रही है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। पर्सन आपके साथ देख अब आपके साथ, ठीक है ना, कल रात को इनके दिमाग में रही बहुत सारे आपको लेके ये सपने देख रहे थे कि हमारा एक नया घर होगा, नई जर्नी हम स्टार्ट करेंगे अपने पर्सन के साथ, बहुत खुश थे ये पर्सन आपको लेके, ठीक है ना। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैनिफेस्ट करने का मतलब बहुत ज़्यादा सपने देख रहे थे, ठीक है, कि हमें ये सभी चीज़ें करनी है आपके साथ, आपके साथ में, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ अगर आपको इग्नोर करके गए, लाइक मैंने कहा जैसे थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन आ गए हो आपके रिलेशनशिप में, इस वजह से ये पर्सन अभी आपको अप्रोच करने में इनको थोड़ा डर लग रहा है कि आप इन्हें माफ़ करोगे कि नहीं, ठीक है, इनको अनदर अपॉर्चुनिटी दोगे कि नहीं। अगर इस पर्सन ने आपको पास्ट में वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है तो डेफिनेटली उस चीज़ को भी लेके ये पर्सन आपको अप्रोच करने में, ठीक है ना, कमिटमेंट देने में या फिर आगे इस रिलेशनशिप को लेके बातें करने में डर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ी सी इस पर्सन पे ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि अगर हम इन्हें इतने बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ठीक है ना, तो क्या ये पर्सन मेरे पे ट्रस्ट करेंगे, क्या हमें ये बातें बोलनी चाहिए आपसे, ठीक है। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक ट्रू कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है ना, और जो भी आपके साथ जो कमिटमेंट चाहते हैं वो ट्रू है, ना कि कोई झूठा, ठीक है ना। बहुत हैप्पी फील कर रहे थे कल रात को, लेकिन आपको लेके बहुत ही एक्साइटेड थे, ओके, ये एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। इस पर्सन को डेफिनेटली फील होता है कि आपके साथ जो जर्नी होगी, ठीक है, अगर ये पर्सन आपको अपने लाइफ में कमिटमेंट देते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है ना, आपके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कमिटमेंट एक्सचेंज करना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप लोगों की डेफिनेटली अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है या बातें बंद है या फिर कोई टेंशन तनाव चल रहा है पास्ट में, तो ये पर्सन उससे हीलिंग चाहते हैं, एक न्यू चांस चाहते हैं, न्यू जर्नी चाहते हैं, ठीक है ना। आप लोगों की फिर से रीयूनियन हो जाए ऐसा इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है एंड बहुत एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। अगर इस ये पर्सन है ना, डेफिनेटली इस पर्सन को फील होता है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ही सिक्योर है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही एक ऐसे पर्सन हो जो डेफिनेटली खुद पे भी फोकस्ड हो, अपने ऊपर तो फोकस रहते ही हो, ठीक है, साथ ही साथ आप इस पर्सन के लिए बहुत ही लॉयल हो, केयरिंग हो, ठीक है ना, आप पे भरोसा किया जाता है, किया जा सकता है, ठीक है ना, आप ऐसे पर्सन हो, आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस रहते हो, ये चीज़ आपके पर्सन को पता है, ठीक है। आप लोगों को ये पर्सन बहुत ही जल्दी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है एंड ये पर्सन आपके लिए अभी रिस्क लेने को तैयार है, ठीक है, रिस्क लेने को तैयार है। जो भी लोग मानते नहीं आपके रिलेशनशिप को लेके, ये पर्सन उनको समझाने के लिए तैयार है, आपको समझाने के लिए तैयार है, आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए तैयार है, ठीक है, आपके साथ रीयूनियन के लिए तैयार है, आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, क्या बताना चाहते हैं। आई हमें प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। वी हैव स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, क्या बोला मैंने यहाँ पे, एस ऑफ पेंटेगल्स का कार्ड है, ठीक है, एंड स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, आप लोगों के बीच में जो भी बॉन्डिंग है उसको और भी मजबूत करना चाहते हैं एंड यहाँ पे एस का कार्ड है, न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग जर्नी, अपनी लाइफ की एक लॉन्ग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, न्यू बिगनिंग, एंड जो भी आप लोगों की बॉन्डिंग है उसे और भी मजबूत बना के आगे चलना, फ्यूचर तक ले जाना। शाइन, सन का कार्ड है दोस्तों, ठीक है,
सो कन्फर्मेशन है यहाँ पे नंबर 19 इम्पॉर्टेंट हो सकता है 20 आपके साथ. ये पर्सन डेफिनेटली अपने फ्यूचर को देखते हैं एंड इस पर्सन को पता है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनको कमिटमेंट दे सकते हो, जिनके साथ लाइफ अच्छे से बिताया जा सकती है. आप एक लॉयल पर्सन हो, केयरिंग हो, भरोसेमंद हो, ठीक है ना. एंड इस वजह से ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आप लोगों की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए, ठीक है ना. ये चाहते हैं, आप पे पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं ये पर्सन. लिसन नंबर 2, ओके. आप हो सकता है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, ठीक है ना. बिना कुछ कहे समझ जाते हो, बहुत समझदार एंड मच्योर एनर्जी है आपकी, ओके. सो ये पर्सन ऐसा आपके बारे में फील करता है, आपकी तरफ इस पर्सन का बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है. एंड नंबर 7 विच इज़ मूव द चैरियट कार्ड, आपकी तरफ डेफिनेटली ये पर्सन मेजर एक्शन लेंगे, ठीक है ना. आप इनको अप्रोच करो या ना करो, ये पर्सन आपको अप्रोच करते हुए दिख रहा है. आपकी बॉन्डिंग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना. एंड अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, अगेन एक यूनियन का कार्ड है, ठीक है. लव एक्सचेंज का कार्ड है ये, यहाँ पे एक बॉन्डिंग है, नॉट है, ठीक है. सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको, आपके साथ में फ्यूचर को देखते हैं, आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रेंथ करना. ये दोनों ही कार्ड में आप लोगों की बॉन्डिंग आगे जाके बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रही है एंड ये पर्सन उसके लिए इंपॉर्टेंट एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है ना. यहाँ पे भी बॉन्डिंग दिखा रही है एंड यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड खुद आ चुका है. अगर आपके बीच में, ठीक है, कोई और थर्ड पर्सन था तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन उसको टाटा बाय बाय करने वाले हैं एंड आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है. क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट हो आप, ठीक है. बेस चक्रा कार्ड, ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है ना. स्टेबिलिटी देखते भी है कि आप कितने स्टेबल पर्सन हो, ठीक है ना. आप पे रिलाई किया जा सकता है, भरोसेमंद हो. नंबर 1 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, 11 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. बॉटम ऑफ द डेक इज कमिंग टुगेदर, 2 ऑफ कप्स का कार्ड 2 बार है. ये 2 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है. सो जो भी है आप लोग, अगर हमारे व्यूअर्स, अगर आपकी यूनियन, आप लोग सेपरेशन में हो तो आप लोग बहुत जल्दी यूनाइट करने वाले हो एंड आपके पर्सन ही एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है ना. आप लोगों की जो, अगर आप लोगों के बीच में, ठीक है, रिलेशनशिप में एक कमी आ गई थी, ठीक है ना, जो इमोशनल एक्सचेंज नहीं हो रहा था, आप लोगों की बॉन्डिंग अगर आपको फील हो रहा है कि वीक हो रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी. कमिंग टुगेदर, आप लोग दोनों वापस से साथ में आने वाले हो, ठीक है, हर एक चैलेंजेस को पार करके. दिस इज़ द थिंग, वी हैव फाइंड बैलेंस एंड देन वी हैव लव विच इज़ द लवर्स कार्ड, वाओ. एंड वी हैव फाइंड बैलेंस. सो ये पर्सन अपनी लाइफ में डेफिनेटली बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. नंबर 2 दो बार है. आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है. लेट्स सी हमें और क्या पता चल रहा है. वी हैव कंपैरिजन, 5 ऑफ सोर्ड. वी हैव माइंड, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स. वी हैव एग्जॉशन, 9 ऑफ वैंड्स. ओके, सो हो सकता है आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो, ठीक है. एज गैप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो भी है, ठीक है. आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, ठीक है ना. 9 9 नंबर 999 यहाँ पे है एंड इस पर्सन को कहीं ना कहीं, अगर आपको ये पर्सन दिखाए या ना दिखाए, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है. एंड इनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो प्लानिंग चलती रहती है आपको लेके, ठीक है. कभी यह पर्सन फील करते हैं कि आप लोगों, आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट ये मन ही मन में, ठीक है ना, इनके मन में उथल पुथल चलते रहती है. एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के दिमाग में आपको लेके कोई फीलिंग्स नहीं है, वैल्यू नहीं है, ठीक है. ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं. आप लोगों का जो कनेक्शन है वो एक प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना. डिवाइन कनेक्शन मुझे दिख रहा है. कुछ लोग मजिशियन एंड द मिरर, नंबर 8 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मैनिफेस्टेशन चल रही है, ठीक है ना. ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वी हैव गॉट दिस फाइंड बैलेंस कार्ड, ठीक है ना. इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें बैलेंस नहीं है एंड जिस वो चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करे, लाइक करियर, फैमिली नहीं मान रही हो, तो वो चीज़ें ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना. स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, नंबर 10, डेफिनेटली इस पर्सन को फील होता है कि हम इनके लाइफ में, इस पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं. हो सकता है इस पर्सन की फैमिली ना माने, या फिर इनका करियर ऐसा हो कि आप लोगों की रिलेशनशिप को सपोर्ट ना कर सके, फ्यूचर ना देख सके, बट डेफिनेटली ये पर्सन अभी उन चीज़ों को बैलेंस बनाना चाह रहे हैं. वी हैव दिस फाइंड बैलेंस कार्ड, ताकि आपकी रिलेशनशिप में कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है ना. कोई ऐसी चीज़ें ना आए जो आपकी रिलेशनशिप को ख़राब कर दे. We have got the attachment card, number 5, and this action card, ठीक है. Strong twin flame connection हो सकता है, on and off हुआ हो इस person का, बार बार आते जाते हैं, ठीक है.
एंड अटैचमेंट का कार्ड है, ठीक है। आप लोगों का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, इतना स्ट्रांग है कि ये पर्सन कभी कभी परेशान हो जाते हैं जब आप इस पर्सन से दूर जाते हो। रनिंग एंड चेसिंग होती है, एक पर्सन दूर भागता है, दूसरा पर्सन पास आता है, एंड इस दौरान में आप दोनों ही पर्सन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हो। दोनों पर्सन को बहुत दुख होता है जब आप लोग एक दूसरे को छोड़ के जाते हो, एंड रनिंग एंड चेसिंग बहुत चलती है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एक पर्सन जब कॉल करता है दूसरा इग्नोर करता है, ठीक है ना। एंड रनिंग चेसिंग की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे वो दिख रही है, वाइब्स दिख रही है, इन एंड आउट, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि आपको ही सिर्फ दुख होता है इस चीज़ से, इस पर्सन को भी बहुत दुख होता है, ओके, विच आई कैन सी। वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वाओ, नंबर 7। सो आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत हैप्पीनेस एंड हीलिंग आएगी, ठीक है ना, हीलिंग एंड हैप्पीनेस। एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में हीलिंग एंड हैप्पीनेस चाहते हैं। इन वाई का कार्ड है, देयर कैन बी समवन जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहता है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये पर्सन उसे डील करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को जड़ से मिटा के आपकी तरफ आना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, ठीक है ना, एक शांति चाहते हैं, डोव है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। आई होप सो आपको रीडिंग समझ में आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़े रीडिंग में, क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स हमें, बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाह रहे हैं। वी हैव री एनर्जाइज, ओके, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में बहुत टेंशन हुए हैं दोस्तों, ठीक है ना। एंड री एनर्जाइज का कार्ड बता रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में फिर से एक हैप्पीनेस आएगी, एक्शन लेंगे ये पर्सन आपकी तरफ, फिर से सीरियसनेस शो करेंगे, ओके। जो भी इग्नोर किया हो, जो भी टेंशन क्रिएट हो, वो खत्म होगा, री एनर्जाइज। एंड पर्सनल हीलिंग का भी कार्ड है, ब्रेकिंग फ्री, ओके। डेफिनेटली ये पर्सन किसी और के साथ अगर अटैच्ड थे, ठीक है, थर्ड पार्टी टाइम ने दिया आपको, मतलब किसी भी थर्ड पार्टी के साथ अटैच थे, वहाँ से ये पर्सन निकलेंगे ब्रेकिंग फ्री एंड आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। मैजिक, आपके रिलेशनशिप में मैजिक होगी, आप आगे चल के इस रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी फील करने वाले हो। बॉटम ऑफ द डेक इज कंटेंट, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही, आपको ऐसा फील कराएंगे कि ये बहुत आपकी केयर करते हैं, ठीक है ना, कि एक केयर की फीलिंग यहाँ पे आपको नज़र आने वाली है। मैजिक, इनके बिहेवियर में एक चेंज, फिर से वही नयापन आएगा। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, हो सकता है आपको फील होता हो कि आप में बहुत सारी कमियां, इस वजह से ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं या फिर आपकी तरफ कमिटमेंट नहीं देते, बट आपको ऐसा फील नहीं करना है क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक, इनकी डीप फीलिंग्स है, ठीक है ना। इनको लगता है कि यू आर गुड इनफ, आप ही वो पर्सन हो जिनके लिए गुड हो, परफेक्ट हो, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस, डेफिनेटली ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं करियर को लेके, कोई भी सिचुएशन जो आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करती है, ठीक है ना, ये एनर्जीज बार बार आ रही है, उसे ये पर्सन प्लानिंग करके हटाना चाह रहे हैं। एंड देन ये पर्सन आपकी लाइफ में वो चीज़ें, वो खुशियाँ, न्यू बिगनिंग्स लाएंगे। सो द वर्ल्ड द रियल यू, ओके, देयर इज़ समवन जो आपके आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। ये पर्सन अभी डेफिनेटली उनको सामने से आके सब कुछ क्लियरली बताएंगे, ठीक है ना, कोई भी चीज़ों को छुपाने वाले नहीं है। एंड मैंने जैसा कहा कि इस रिलेशनशिप को लेकर सारे ऑब्स्टेकल्स, जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको फेस करने के लिए ये पर्सन तैयार है। प्लीज एंजल्स हमें और बताएं क्या बताना चाह रहे हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, देयर इज नॉट नोड, ठीक है। सो डेफिनेटली ये पर्सन अपने फियर्स पे, अपनी एंजाइटीज़ पे, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे वर्क कर रहे हैं एंड उस पर वर्क करके डेफिनेटली आपकी तरफ ये पर्सन आना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज़ समथिंग विच आई कैन सी, ओके। सो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, आई होप सो आपको रीडिंग पसंद आई है, ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले, चैनल पर प्लेलिस्ट है उसे आप देख सकते हैं, ओके। ध्यान रखिए अपना, खुश रहें, पॉजिटिविटी बनाए रखें लाइफ में एंड आगे बढ़ते रहें। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।